हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में जो एसएससी की तरफ से आया है। और यदि आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम के सीरियस एस्पिरेंट हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो या कोई सभी एसएससी एग्ज़ाम हो, ये इम्पोर्टेंट नोटिस आपके ऊपर अप्लाई होगा। देखिए, इसमें ये दिया है कि यदि कोई भी स्टूडेंट, यदि कोई भी एस्पिरेंट के बारे में ये पाया जाता है कि उसने किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, टीयर वन में या टीयर टू में मेल प्रैक्टिसेस की है, अनफेयर मींस को अप्लाई किया है, अडॉप्ट किया है, मतलब नकल की है या चीटिंग की है या किसी भी तरह की मेल प्रैक्टिस को रिजॉर्ट किया है, तो उसको एग्ज़ाम से डिबार किया जा सकता है। और एग्ज़ाम से कितने साल के लिए उसको डिबार किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि उसने किस तरह की मेल प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है यदि आप एसएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो नोटिस है ये अप्लाई होगा 1 जून 2018 से। ठीक है, और यहाँ पर ये टाइप ऑफ मेल प्रैक्टिस दिया है, कितने साल के लिए आपको डिबार किया जा सकता है ये यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच एज ओएमआर शीट, रफ शीट, कमीशन कॉपी ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट, आंसर शीट एट्सेट्रा फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल और पासिंग इट ऑन टू अनऑथोराइज पर्सन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। यदि आप एग्जामिनेशन से कोई सा भी मटेरियल, ओएमआर शीट है या रफ शीट है, वहाँ से निकाल के ले जाते हैं और किसी अनऑथोराइज पर्सन को दे देते हैं, तो ये मेल प्रैक्टिस मानी जाएगी और इस मेल प्रैक्टिस के लिए आपको 2 साल के लिए एसएससी एग्ज़ाम में बैठने से डिबार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है, मिस बिहेविंग विथ, इंटिमिडेटिंग और थ्रेटनिंग इन एनी मैनर द एग्जामिनेशन फंक्शनरी। मतलब यदि आप एग्जामिनर का, एग्जामिनेशन में जो सुपरवाइज़र होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कमीशंस का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके साथ यदि आप मिसबिहेव करते हैं या उसको धमकाते हैं या उसको धमकी देते हैं, तो आपको डिबार किया जा सकता है 3 साल के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 साल के लिए एसएससी एग्ज़ाम से आपको डिबार किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यदि आप एग्जामिनेशन को होने में कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसको होने नहीं देते हैं, उसके होने में अड़ंगा आप डालते हैं, ठीक है, और इंस्टिगेटिंग अदर कैंडिडेट नॉट टू टेक द एग्जामिनेशन, और किसी दूसरे स्टूडेंट को आप इंस्टिगेट करते हैं, उसको बहकाते हैं या फुसलाते हैं कि आप एग्जामिनेशन मत दो, ठीक है। तो इस तरीके का यदि मेल प्रैक्टिस पाया जाता है, तो 3 साल के लिए आपको एसएससी एग्ज़ाम से डिबार कर दिया जाएगा। तो ये सारे इसमें दिए हैं, मेकिंग स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट और फॉल्स, सप्रेसिंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन, सबमिटिंग फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। यदि कोई भी गलत डॉक्यूमेंट, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट मतलब बनाया हुआ डॉक्यूमेंट, गलत तरीके से बनाया हुआ डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं, तो उसमें भी आपको 3 साल के लिए आपको डिबार किया जा सकता है। ऑब्टेनिंग सपोर्ट इन्फ्लुएंस फॉर हिज हर कैंडिडेचर बाय एनी इरेगुलर और इम्प्रॉपर मीन्स, मतलब किसी भी व्यक्ति से सिफारिश लगवाना कि ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम में टीयर वन या टीयर टू में मेरे इतने नंबर कम हैं और इतने नंबर मेरे आप बढ़ा दो और आपको मैं इतना भुगतान कर दूंगा, इतने पैसे दे दूंगा, ये इस तरह की जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, इसके लिए भी आपको 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5 साल तक की सज़ा है। देखिए, 5 साल तक की भी डिबारमेंट है इसमें। डैमेजिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोज आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और वहाँ पर जो इक्विपमेंट लगे हैं, जो कंप्यूटर लगे हैं, जो टेबल चेयर हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यदि आप डैमेज करते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा सीरियसली लिया जाएगा और इसमें 5 साल के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन, किसी एसएससी एग्जामिनेशन से। देखिए, 7 साल के लिए भी आपको डिबार किया जा सकता है यदि आप असॉल्ट करते हैं, किसी व्यक्ति पर आक्रमण करते हैं, फोर्स का प्रयोग करते हैं, कॉजिंग बॉडीली हार्म इन एनी मैनर टू द एग्जामिनेशन फंक्शनरीज। मतलब एग्जामिनेशन में जो सुपरवाइज़र, इन्विजिलेटर, सिक्योरिटी गार्ड, कमीशन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको यदि आप फिजिकली हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो 7 साल के लिए आपको डिबार किया जा सकता है, ठीक है। थ्रेटनिंग इंटिमिडेटिंग एग्जामिनेशन फंक्शनरीज, मतलब किसी एग्जामिनेशन फंक्शनरी को आप वेपन से या फायर आर्म से थ्रेटन करते हैं या इंटिमिडेट करते हैं, उसको धमकाते हैं, तो आपको 7 साल की सज़ा, या 7 साल की सज़ा नहीं है ये, डिबारमेंट है, आपको एग्ज़ाम से निकाल दिया जाएगा, मतलब एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा 7 साल तक। जिस मूवमेंट पर आपकी ये गलती, ये मेड प्रैक्टिस पकड़ी जाती है, उस मूवमेंट से लेके अगले 7 साल तक, ठीक है।
पजेशन ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस, स्पाई कैमरा एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में यदि आपने ब्लूटूथ डिवाइस का यूज़ किया है, स्पाई कैमरा का यूज़ किया है और कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज़ किया है, तो उसके लिए जो डिबारमेंट है वो है 7 साल, 7 ईयर का डिबारमेंट है। ठीक है। इम्पर्सोनेटिंग, प्रोक्यूरिंग इम्पर्सोनेशन बाय एनी पर्सन। इम्पर्सोनेटिंग का मतलब है कि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है वो एग्ज़ाम दे रहा है, उसको हम बोलते हैं इम्पर्सोनेटिंग। ठीक है। तो इम्पर्सोनेटिंग में भी आपका 7 साल के लिए डिबारमेंट है। तो ये SSC की तरफ से ये काफ़ी अच्छा एक नोटिस निकाला गया है और इससे ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को बल मिलेगा निश्चित रूप से, और जो करप्शन है और इस तरह के जो चार्जेस लगते हैं SSC के ऊपर, उससे SSC को मुक्ति मिलेगी। टेकिंग स्नैपशॉट और मेकिंग वीडियोस ऑफ क्वेश्चन पेपर और एग्जामिनेशन मटेरियल लैब्स एटसेट्रा। इसका यदि आप वीडियो बनाते हैं, स्नैपशॉट लेते हैं, तो इसके लिए भी 7 साल के लिए डिबारमेंट है आपको। शेयरिंग एग्जामिनेशन टर्मिनल थ्रू रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एप्स लैन वैन एटसेट्रा। एग्जामिनेशन टर्मिनल का जो डिटेल है उसको यदि आप शेयर करते हैं, तो उसके लिए भी 7 साल के लिए आपको डिबार किया जा सकता है। अटेम्प्टिंग टू हैक और मैनिपुलेट एग्जामिनेशन सर्वर। एग्जामिनेशन के जो सर्वर्स हैं उसको आप हैक करने की कोशिश करते हैं, उसको आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से डेटा चुराने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी 7 साल का आपको डिबारमेंट हो सकता है, आपको एग्जाम से निकाला जा सकता है। तो 1 जून 2018 को ये नोटिस इशू हुआ है अंडर सेक्रेटरी की तरफ से और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। यदि आप SSCS एस्पिरेंट हैं और कोई भी SSC एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो ये नोटिस आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको आपको सीरियसली अप्लाई करना है और इन मेल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना है। ऑनेस्टी के साथ, मेहनत के साथ एग्ज़ाम को देना है और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।